बास किताबों में ये आया है कि हुजूर गौसे आजम ने इनको अपना रूहानी बेटा भी कहा। और तवारीख में आता है कि हजरत अली बिन हैदी रजी अल्लाह तआला बगदाद के उन चार वली किराम में से हैं कि अगर किसी को कोई मुसीबत अगर दरपेश हो, अगर इनका नाम ले लिया जाए तो उनकी मुसीबत जहां फौरन दूर हो जाए। और ऐसे चार औलिया इकराम में से हैं जो अगर रब से किसी मुर्दे को जिंदा करने के लिए अगर सवाल कर दे तो रब उनके फरियाद पर जो है मुर्दों को जिंदा कर दे। वो हजरत अली बिन हैदी रजी अल्लाह तआला जो हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला के मुरीद और खलीफा, हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला के मजलिस लगी है। पावर देखे, शान देखे हुजूर गौसे आजम की। और मैं बहुत जल्दी अपनी बात समझ लूंगा क्योंकि जो है मैं एक जो है कतरा हूँ और हजरत जो है समंदर यहाँ बैठे हुए हैं। आपको जो है आपके सामने रखेंगे, आप जो हजरत की नसीहतों पर अमल कीजिएगा। हजरत मोहतरम सामने सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला के मजलिस में बैठा करते थे। वो खुद बयान करते हैं कि मुझे हुजूर गौसे आजम की बातें आपके तकरीर खुतबा सुनते हुए मेरे पेट में दर्द मरोड़ पेश आया। मुझे कजाए हाजत के लिए जाना हुआ, फिर दिल में सोचा कि अगर मैं चला जाऊं तो सरकार गौसे आजम की बातों से महरूम रहूं। मैं इसी कश्मकश में था कि जाऊं या ना जाऊं, पेट के दर्द की शिद्दत इतनी तेज, ना जाऊं तो मेरी बेइज्जती, और अगर चला जाऊं तो मैं इन मोतियों से जो है धुले हुए जुमलों से जो है महरूम रह जाऊंगा, करूं तो क्या करूं। वो बयान करते हैं कि इसी इस्लाम में मैंने क्या देखा कि हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अपने मिंबर से उठे और अपना रुमाल मेरे सर पर रख दिया, मेरे सर पर रख दिया। जैसे ही हुजूर गौसे आजम ने अपना रुमाल मेरे सर पर रखा, मैं अपने आप को एक सुनसान बियाबान जंगल में पाया, अपने आप को एक बियाबान जंगल में। और उस जंगल के जो है जहां पर मैं अपने आप को पाया तो पास ही में एक नाला बहता हुआ साफ पानी। मुझे याद आया मुझे तो कजाए हाजत करनी है, मैं फारिग हुआ और इस इस्लाम में मैंने अपनी चाबी का गुच्छा एक दरख्त की टहनी पर लटका दिया, दरख्त की टहनी पर लटका दिया। मैं अपने अपने हाजत से फारिग हुआ और जब जैसे ही मैंने वजू बनाया और सर का मसा करने लगा तो वो रुमाल मेरे सर से खिसक कर गिर गया। जैसे ही वो रुमाल गिरा तो मैं अपने आप को हुजूर गौसे आजम के मजलिस में पा रहा, और हुजूर गौसे आजम ने जब रुमाल रखा था मेरे सर पर जो जुमले वो अदा फरमा रहे थे अब भी वही जुमले अदा फरमा रहे हैं। ये हुजूर गौसे आजम की ताकत और पावर और शान। फिर हजरत अली बिन हैदी रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं कि चंद महीनों के बाद मेरा सफर करना तिजारत की गर्ज से मैं सफर कर रहा था। सफर करते करते मैं 17 दिन मुसलसल सफर किया, 17 दिन तक मैंने मुसलसल सफर किया। और सफर के दरमियान मैं एक ऐसे जंगल में पहुंचा कि एक नाला है, पानी बह रहा है, कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जगह से मानूस हूं, इस जगह को मैं देखा हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कब देखा। इसी इस्लाम में मुझे याद आया कि हुजूर गौसे आजम के मजलिस में था तो हुजूर गौसे आजम ने जो रुमाल रखा था तो चंद पल में मैं उस वक्त मजलिस से यहाँ पहुंचा था और मैंने अपने कजाए हाजत से जो फारिग हुआ था तो मुझे अपनी चाबी का गुच्छा याद आया। मैंने दरख्त की टहनी पर देखा तो मेरी चाबी का गुच्छा जो लटका हुआ हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला कहते हैं मैंने अपना 2 महीने के बाद अपने गर्ज से जब वापस आया तो मैं फातिहाना शान और शौकत से आया कि मैं हुजूर का शुक्रिया अदा करूंगा कि हुजूर आपने मेरी लाज रख ली और आपने चंद लम्हों में इतने दूर। हजरत अली बिन हैदी कहते हैं जैसे ही मैंने खानकाह के जो है दरवाजे पर अपना पहला कदम रखा हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया अली बिन हैदी इसका तज़किरा किसी से मत करो, जब मेरा विसाल हो जाए फिर तुम्हें इजाजत। ये शान देखे हुजूर गौसे आजम की कि हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला रब के ऐसे मुर्गुसीदा बंदे, ऐसे मुर्गुसीदा बंदे कि जिनके आने की बशारत सबिकीन अव्वलीन ने दी,
साबिकीन अव्वलीन आपसे पहले के बुजुर्गों ने दी। हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता है। तो वैसे करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बशारत जब अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला अन्हु को दी और जुब्बा अता फरमाया कि मेरा जुब्बा देना और कहना मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करे। तो ये हजरात जब अरफात के मैदान में मिले तो दुआ करने के लिए जब कहा, वाकया बहुत तवील है लेकिन मुख्तसर ये है कि दुआ के लिए कहा तो हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सजदा रेज हुए। दुआई करते रहे करते रहे, हिचकी बन गई, फिर हिचकियां भी बंद हो गई तो हजरत उमर ने कहा अली जरा देखिए तो सही कहीं कि रूह कब से शरीर से परवाज तो नहीं कर गई। जैसे उनको हिलाया उठे कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन ऐ उमर फारूक आजम आपने मुझे उठाया क्यों? मेरे रब ने मेरी दुआ से नबी की आधी गुनाहगार उम्मत को बख्श दिया। अब मैं अपने रब को पूरी उम्मत के लिए मना रहा था, मेरा रब मानने को तैयार नहीं, मैं रब से इल्तिजा कर रहा था, रब मेरी इल्तिजा सुनने को तैयार नहीं, रब यही कह रहा था बार बार कि ऐ उवैस मैंने तुम्हारे सदके में आधी गुनाहगार उम्मत को बख्श दी, मैंने आधी बख्श दी। तो मैंने पूछा मौला फिर आधी उम्मत का हाल क्या होगा? तो रब ने मुझे इल्हाम किया, रब ने मुझ पर जो है इल्हाम ये किया कि ऐ मेरे उवैस ऐ मेरे नेक बंदे आधी उम्मत तुम्हारी दुआ से बख्शी, आधी उम्मत में जो अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शूंगा। वह हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात कि जिनकी जात वो जात है कि जिनको हमारे आका अलैहि सलातो तस्लीम ने अपना फर्जंद कहा और जो तरफैन नस्ल से हजरत इमाम हसन और हुसैन दोनों के नस्ल से। वह हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद व इशारा है कि हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु है कि आप जो है करामत दिखाया नहीं करते थे। हम हुजूर गौसे आजम को बस एक करामती रब के बुरगुजीदा बंदे समझते हैं। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु बस एक वाकया मैं बयान कर दूं फिर मैं अपनी जगह लूंगा। तो हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि मैं 40-40 दिन तक भूखा रहा, 40-40 दिन तक प्यासा रहा, मैं दरियाए दजला के किनारे उगी हुई हरी सब्जियों को खाता जिसका असर मेरे जो है कंधे पर आ चुका था। बयान फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि कहत साली का जमाना था, मुझे भूख शिद्दत की लगी, मैं जो है किसरा के जो है ऐवानात पर गया तो वहां पर मुझसे पहले ही औलिया किराम मबाह चीजों की तलाश में थे। मैं वहां से पलट आया और एक मस्जिद में चला गया। मैंने देखा कि एक शख्स नौजवान रोटी और गोश्त लाकर मस्जिद में बैठा और खाने वाला। जैसे ही मैं गोश्त की खुशबू आई तो मेरा मुंह भूख की शिद्दत से खुद ब खुद खुल गया, लेकिन मैं अपने तकबे के खिलाफ नहीं गया, मैं खामोश रहा। फिर बयान करते हैं तो उस शख्स ने मुझे एक बार बुलाया कि आइए खाना तनावल फरमाइए। मैं दिल ने तो कहा कि बस खा लूं, नफ्स ने तो ये कहा, लेकिन मैंने अपने नफ्स की नहीं सुनी, मैं अपने नफ्स की नहीं सुनी, मेरे नफ्स ने कहा खा ले, लेकिन मेरे इश्क ने ये कहा कि ना जाने ये हलाल माल से है या हराम, ये हलाल माल से है या हराम। और आज हम इस मर्ज में बहुत बहुत तला है। आज हमारे अंदर आम तो आम हवासों में भी जो हलाल और हराम की तमीज नहीं। हुजूर गौसे आजम भूख की शिद्दत ऐसे वक्त में जब इंसान की जो है जान जाने की बात आ जाए तो ऐसे वक्त में इंसान को जो है हराम चीजें उसके लिए मबा हो जाती है कि वो खाकर अपनी जान को बचाए। लेकिन हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या दर्द दे रहे, ऐसे वक्त में भी आप हलाल और हराम की तमीज कर रहे, हलाल और हराम की तमीज कर रहे। और हम हैं कि अपने भाई का हक खा रहे, अपनी बहनों का हक खा रहे। आज तो ये जो है चल गया कि बहन को शादी कर दी, वालिदैन का अगर इंतकाल हो गया तो हम अपनी बहनों को जो है विरासत से हिस्सा नहीं दे रहे, ये हक तलफी नहीं तो क्या? जो औरतों के बारे में कुरान में नस जो आई है लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैयैन कि मर्द का आधा औरत को दिया जाए, क्यों? बाप की तरफ से मर्द का आधा देने का हुक्म क्यों? इसलिए कि औरत को शोहर की तरफ से सुदुस मिल रहा है, छठा हिस्सा मिल रहा है उसे, उसका हिस्सा दोनों तरफ है, इसीलिए उसे जो आधा देने का हुक्म दिया गया। लेकिन आज हम जो है अपने
बहनों की, हम अपने जो है घर की जो है औरतों को जो है हम अपनी बहनों के जो है हिस्से को मारते नजर आ रही है दोस्तों और बुजुर्गों। अगर फिर हम इस तरीके से अगर हाला काम करेंगे, अगर इस तरीके से हम किसी का हक तलफी करेंगे तो फिर याद रखे फिर वो जमाना जो आज हम पर है बदतर जमाना आया है, इससे भी बदतर जमाने के लिए हमें तैयार रहना है, इससे भी बदतर हालात के लिए हमें तैयार रहना होगा। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे वक्त में भी जो हलाल और हराम की जो बारे में जो आपने सवाल किया तो दोस्तों और बुजुर्गों फिर उस शख्स ने कहा कि आइए खा लीजिए। इत्माम हुज्जत के लिए तीन बार जब कहा तो आप आए और बैठे, बैठकर जैसे ही लुक्मा लेने लगे तो आपने सोचा कि ना जाने क्या हलाल है या हराम, पूछूं या ना पूछूं। इतने में जो है उस शख्स ने कहा कि जरा बताइए तो आप तवक्कुफ क्यों फरमा। कहा कि बात दरअसल ये है, उस शख्स ने सामने वाले ने जो है रब की बारगाह में इल्तिजा किया, मौला मुझे माफ कर, मैं इस माल के मालिक की इजाजत के बगैर उसके माल को खा रहा हूं, मुझे माफ कर। तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया मामला क्या है। कहा कि मैं गिलान से आया हूं, गिलान का एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल कादिर है जो बगदाद के मक्तब मदरसे में पढ़ते हैं, मैं उनके मदरसे में भी गया हूं, मुझे मिले नहीं, आज कई दिनों से मैं तलाश कर रहा हूं, मुझे मिले नहीं, मेरा माल पूरा खत्म हो गया। जब भूख की शिद्दत बढ़ी तो उन्हीं के जो है रकमों में से चंद रकम निकाल कर मैं खाना लाकर खा रहा हूँ। हुजूर गौसे आज़म फरमाते मौला तेरा लाख लाख शुक्र, तू मुझे दूसरे के पास खिला भी रहा है तो मेहमान बनाकर नहीं मेजबान बनाकर। कहा कि शख्स तू जिस अब्दुल कादिर को तलाश कर रहा हूँ, आपने खाना तनाउल फरमाया उसमें से आधा रकम उसे वापस दे दी कि आप अपना खर्चा निकालिए, फिर उन रकमों को लेकर आप ऐवानात में गए, गरीबा गुरबा और मिस्कीन में पूरे का पूरा माल तकसीम कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं बचा। ये हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप जो टॉपिक है कि 11वीं वाले पीर क्यों थे। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला साल के रबील अव्वल की जो है रबील आखिर के हर 11 तारीख जब खत्म होती 12वीं शब लगती तो उस तारीख को सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज किया करते थे। एक रिवायत में ये है और एक रिवायत में ये है कि आप हर महीने की 11 तारीख को जो है हुजूर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज किया करते थे और आप ऐलान फरमा देते कि जिसको जो कुछ भी चाहिए इस दिन खास इस दिन मेरा दरबार लगेगा, इस दिन मैं बैठूंगा, उस दिन आए जिसको जो चाहिए मुझसे ले ले अपनी हाजात पूरी कर ले। यूं तो और दिनों में भी आप हाजात पूरी करते लेकिन वो दिन खास हुआ करता था, खास दिनों हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला जब ये करते रहे एक दिन अरकला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया ए अब्दुल कादिर तुम हमारी 12वीं मनाते हो, जाओ हमने तुम्हें 11वीं अता कर दी, हमने तुम्हें 11वीं अता कर दी। अल्लाह के रसूल के जमाने हाल से ये फरमान निकलना था कि आज हुजूर गौसे आजम को पूरे जमाने वाले 11वीं पीर के नाम से जानते थे। ये हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है रब के ऐसे मुर्तजा बंदे हैं कि अगर हम मुसीबत अगर सच्चे दिल से हुजूर गौसे आजम का नाम ले लेना, कसम खुदा की मेरा ये वजदान कहता है कि अगर सच्चे दिल से हुजूर गौसे आजम की तरफ इस्तिगासा कर ले, मुसीबत परेशानी चाहे कैसी भी हो वो मुसीबत परेशानी जो है सर फटक कर खत्म हो जाएगी लेकिन हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला उनका दिया हुआ वास्ता कभी खाली नहीं। वो नाम हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गौसे आजम दरमियाने औलिया तू चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जिस तरीके से हमारे आका अलैहि सलाम व तस्लीम का मर्तबा तमाम अंबिया इकराम में ऊंचा अरफा वो आला है वैसे ही हुजूर गौसे आजम का जो है मर्तबा तमाम औलिया में जो है वैसे ऊंचा अरफा वो आला, चाहे वो बनी इसराइल के वली हो चाहे वो किसी भी जो है मसलक के वो किसी भी जो है अंबिया इकराम की जो है मसलक के वली हो, तमाम वलियों पर सर सद अगर कोई रखते हैं तो हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। ये किस्सा लतीफ भी ना तमाम है जो कुछ बयां हुआ वहां आगाज बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली ज़म्बिवात वलै आखिर दावा अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।